आप यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको स्वागत करना चाहेंगे हमारे सिस्टम, वर्ल्ड क्लास सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और हमारी टीम रोल क्रांतिकारी टीम की ओर से, सेफ शॉप डायरेक्ट डील से। और आज हम ऐसे कुछ लोगों को सम्मानित करने जा रहे हैं दोस्तों, जिन लोगों ने इस हफ्ते के अंदर और कंपनी का जो टारगेट चल रहा था लैपटॉप और टैब का, उसे अचीव करके दिखाया और इस हफ्ते बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया काम करके दिखाया। क्योंकि दोस्तों, एक कहावत भी है, जो लोग इस बिजनेस में काम करते हैं उनको पैसा तो मिलता ही है और पैसे के साथ साथ उनको सम्मान भी मिलता है। क्योंकि बाहर फील्ड में जो लोग काम करते हैं, तो वो जब काम करते हैं तो उसके बदले में केवल उनको पैसा ही मिलता है, लेकिन हर इंसान जिस चीज का भूखा होता है वो सम्मान। लेकिन बाहर फील्ड में इंसान को कभी भी सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, हम और आप एक ऐसे सिस्टम में आ चुके हैं जहाँ पे जब हम खुद के लिए काम करते हैं, जब हम खुद के लिए एफर्ट लगाते हैं, उसके बदले में हमें पैसा तो मिलता ही है, साथ ही साथ ढेर सारा सम्मान हमको मिलता है। तो हम यहाँ पे उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं जिन लोगों ने अपनी दमदारी दिखाई और अपना एक बहुत बढ़िया काम करके दिखाया और लैपटॉप और टैब अचीव करके दिखाया, गोल्ड मेडल लेके दिखाया और अर्जुन अवार्ड लेके दिखाया। उन सभी का मैं बारी बारी से मैं फोटो दिखाना चाहता हूँ। और इस पैनल के अंदर जितने भी लोग हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, हर उस इंसान के लिए जिन्होंने यहाँ पे अपना फोटो ला के दिखाया, मेहनत करी, एफोर्ट किया, उनके लिए आप लोग भी, आप सारे लोग भी दिल से ताली बजाएंगे। क्या आप सारे लोग तैयार है? और ताली बजाते हुए मन मन में एक कमिटमेंट अपने आप से जरूर कर लेना, अगली बार जब ये प्रोग्राम होगा तो और किसी का फोटो हो या ना हो, मेरा फोटो जरूर इससे, इस स्लाइड के अंदर मेरा फोटो भी होना चाहिए और मेरा नाम भी लेना चाहिए। ऐसा आपने अपने आप से कमिटमेंट करना है। तो आगे बढ़ते, सबसे पहले हम लैपटॉप अचीवर्स की ओर। तो सबसे पहले ये है हमारे टोपाज लीडर मिस्टर राहुल सेन, आज जिनकी बात करें। आज सर इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं और पार्ट टाइम करते हुए सर ने जो कंपनी का जो फ्रेशर चैलेंज था उसमें काम करके अपनी सेकेंड आईडी से गोल्ड क्वालिफाई करके कंपनी से लैपटॉप जीता है। तो मैं चाहता हूँ हमारे राहुल सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां, बहुत बहुत बधाई हो राहुल सर आपको। इसके अलावा हमारे मिस्टर विनोद साहू, जिन्होंने भी अपने आप को प्रूव करके दिखाया और इन्होंने भी अपने आईडी से पर्ल क्वालिफाई करके लैपटॉप अचीव करके दिखाया है। तो मैं चाहता हूँ हमारे विनोद सर के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैं सर के बारे में दो लफ्ज जरूर बताना चाहता हूँ। आज दोस्तों, लोग सरकारी नौकरी के भूखे हैं, हर कोई चाहते हैं मुझे सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन विनोद सर एक ऐसे लीडर है, एक ऐसी पर्सनालिटी है जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी के अंदर थे, आर्मी के अंदर थे, और उन्होंने जब इस बिजनेस को देखा, 11 साल की इंडियन आर्मी की नौकरी को सर ने छोड़ के आज इस बिजनेस को फुल टाइम करने का डिसीजन लिया और बहुत ही शानदार तरीके से आज सेफ शॉप में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। और आगे हम देखते हैं, ये है हमारी मैम मिस कृष्णा कुमारी गुरुंग, जो कि जयगांव से है, और आज मैम ने भी अपने आप को प्रूव करके दिखाया अपनी आईडी से गोल्ड लेवल क्वालिफाई करके। मैम ने लैपटॉप क्वालिफाई करके दिखाया है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेहनत कर रही है। और मैं तो ये बताना चाहता हूँ, आज मेरी टीम के अंदर मैम वीकली रिपर्चेजिंग के अंदर एवरी वीक 14,000 का प्रोडक्ट मैम रिपर्चेस करती है और उसे पूरा का पूरा, उन्हें एक हफ्ता भी नहीं लगता, वो पूरे 14,000 के प्रोडक्ट को वो सेल कर लेती है और फिर दोबारा ऑर्डर करती है। इतने बढ़िया तरीके से काम करके मैम ने लैपटॉप अचीव करके दिखाया है। मैम आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं चाहता हूँ कृष्णा मैम के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली हो। आगे हम देखते हैं मिस मीना थापा, आज मैम की बात करें, जयगांव टीम के, जयगांव के अंदर अगर डिकी शेरपा के बाद में अगर किसी लीडर का नाम आता है तो वो मीना थापा है।
आज मैम का अगर लेवल की बात करें तो मैम टॉपर्स लेवल के अंदर है, लेकिन फिर भी मैम ने अपने सेकेंड आईडी के अंदर गोल्ड लेवल को क्वालिफाई करके लैपटॉप अचीव करके दिखाया। और मैम मेहनत करने पे विश्वास करती है, मैम सुबह घर से निकलती है और एक ही बार रात को घर में घुसती है, इनको जब काम करती है इनको और कुछ भी नजर नहीं आता। और मैं मैम के बारे में एक बार जरूर बताना चाहता हूँ कि मैम अपने घर का, वैसे तो मैम एक लेडी है लेकिन मैम अपने घर का बेटा है, क्योंकि मैम अपने पूरे परिवार को, अपनी मम्मी को, अपने भाई, अपने बहन को, पूरे परिवार को मैम खुद संभालती है और अपने पूरा घर को चलाती है। आज इस बिजनेस की वजह से मुझे प्राउड है मीना मैम के ऊपर। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ऐसे दमदार लीडर के लिए अभी तक की एक जोरदार ताली होनी चाहिए मीना मैम। और इनको हम कमला मैम के नाम से भी जानते हैं, मीना मैम और कमला मैम उर्फ कमला मैम, आपको ढेर सारी बधाई हो लैपटॉप अचीव करने के लिए। इसके अलावा ये हमारे टाइगर सिक्किम से मिस्टर डंबर राय, जो कि बहुत दमदार तरीके से काम कर रहे हैं और सर ने भी अपना लैपटॉप क्वालिफाई करके दिखाया और लगातार सिक्किम टीम के अंदर, सिंकाम के अंदर बहुत ही बढ़िया बेस्ट परफॉर्मर काम कर रहे हैं। लगातार एवरी वीक सेल भेजना, लगातार अपनी टीम के अंदर लोगों को गोल्ड मेडल क्वालिफाई करना, लगातार दोस्तों अपना नाम लगातार आगे बढ़ा रहे। तो मैं चाहता हूँ हमारे टाइगर सिंघाम से है मिस्टर डंबर राय के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। डंबर सर बहुत बहुत बधाई हो आपको लैपटॉप अचीव करने के लिए। आगे दोस्तों हम बात करेंगे अर्जुना अवार्ड के बारे में। अर्जुना अवार्ड उनको मिलता है जो 50,000 से अब आपका रिपर्चेसिंग करते हैं। तो ये हमारी मैम है जिनका नाम है मिसेस बबीता ओराम, जो कि सिलीगुड़ी से है और मैम रिपर्चेस में कभी भी पीछे नहीं रहती है। और इस बार भी मैम ने धुआंधार तरीके से रिपर्चेस किया है और मैम ने 50,000 से, यानी कि आप देख सकते हैं 60,000 से ऊपर का रिपर्चेस किया है। तो मैम को भी बहुत बहुत बधाई अर्जुन अवार्ड लेने के लिए। बबीता मैम के लिए एक जोरदार तालियां होगी, जोरदार तालियां। आगे हम देखते हैं मैम है किरण जायसवाल मैम, जो कि जयगांव से है और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार लीडर है। आज तक इनको अपलाइन जो भी बताते हैं मैम आपने ऐसा करना है, तो मैम हमेशा वो चीज करने के लिए मैम तैयार हो जाती है। और मैम को भी अर्जुना अवार्ड के लिए बताया गया था और मैम रेडी हो गई और मैम ने भी 50,000 का शॉपिंग किया है और अर्जुन अवार्ड लेके दिखाया है। तो किरण मैम आपको भी बहुत बहुत बधाई अर्जुन अवार्ड लेने के लिए। हमारी किरण मैम के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारी मैम है शकुंतला लामा, और मैम की भी बात करें तो मैम ने भी अर्जुन अवार्ड लेके दिखाया है। और शकुंतला मैम एक ऐसी लेडी है, क्योंकि दोस्तों अगर आज मैम की बात करें तो जब से मैम सेट शॉप में आई है लगातार मैम इस बिजनेस में पेशेंस के साथ में काम कर रही है। और एक कहावत है दोस्तों, अगर आप किसी भी जगह पे लगे रहते हैं तो ब्लास्ट तो होता ही है। तो मैम ने भी ब्लास्ट करके दिखाया है, चुपचाप से अर्जुना अवार्ड मैम ने लेके दिखाया। और मैं मैम को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ अर्जुना अवार्ड लेने के लिए। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ मैम के लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। शकुंतला मैम आपको बहुत बहुत बधाई अर्जुन अवार्ड लेने के लिए। इसके अलावा हमारे सर है मिस्टर हरका बहादुर सर, जो कि कैलिम्पोंग से है, सर ने भी अर्जुन अवार्ड लेके दिखाया है और बहुत ही दमदार और बहुत ही शानदार लीडर है। लॉकडाउन के अंदर भी सर ने हफ्ते हफ्ते के अंदर अपना चेक उठा के दिखाया और इस बार सर ने अर्जुन अवार्ड लेके दिखाया है। तो सर के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। हरका सर आपको बहुत बहुत बधाई अर्जुन अवार्ड लेने के लिए। आगे ये हमारे ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी आप सारे लोग जानते हैं, जो आज इस पैनल के अंदर है, और सर मिस्टर नारायण राय, जो कि कैलिमपोंग से है। आज सर को हम बोल सकते हैं स्माइल के किंग है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, परिस्थिति भले ही कैसी भी हो लेकिन सर मुस्कुराना नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आज सर ने भी अर्जुन अवार्ड लेके दिखाया है, 50,000 से ऊपर की सर ने रिपर्चेस करी है। तो नारायण सर आपको बहुत बहुत बधाई अर्जुन अवार्ड लेने के लिए। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एक जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे नारायण सर के लिए।
और आगे आप देख सकते हैं गोल्ड मेडलिस्ट। गोल्ड मेडलिस्ट यानी कि जो 30,000 से ऊपर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं उन्हें हम गोल्ड मेडल बोलते हैं। सबसे पहले गोल्ड मेडलिस्ट है हमारी मिसेस मंजू मैम फ्रॉम सिक्किम टीम, और दूसरी है आप देख सकते हैं मनीषा मैम फ्रॉम सिक्किम। तो मैं दोनों मैम को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ गोल्ड मेडल लेने के लिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट चाहता हूँ हमारे दोनों गोल्ड मेडलिस्ट मंजू मैम और मनीषा मैम के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आगे देखते हैं, ये है हमारी बिमला शर्मा मैम जयगांव से, जिन्होंने गोल्ड मेडल लेके दिखाया। और इधर है हमारी फेवरेट बिमला गुप्ता मैम, जो कि माझीटार के अंदर बहुत ही दमदार तरीके से अपनी टीम को लीड कर रही है। लॉकडाउन के अंदर सिक्किम बंद था, फिर भी उन्होंने अपनी टीम को संभाल के काम करके, इतना सिक्किम में इतना लॉकडाउन होने के बावजूद इन्होंने काम करके दिखाया और गोल्ड मेडल लेके दिखाया। और मैं दोनों हमारी बिमला मैम और बिमला शर्मा मैम और बिमला गुप्ता मैम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ गोल्ड मेडल अचीव करने के लिए, और एक जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे दोनों बिमला मैम के लिए। जोरदार तालियां, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आगे हम देखेंगे हिमा मैम है सिक्किम से, और हमारे रंजीत विश्वकर्मा सर है जयगांव से। इन दोनों ने भी गोल्ड मेडल लेके दिखाया है, और हिमा मैम और रंजीत सर को भी बहुत बहुत बधाई हो गोल्ड मेडल लेने के लिए, और एक जोरदार ताली होनी चाहिए। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो गोल्ड मेडल लेने के लिए। और आगे हम देखेंगे हमारी एकदम बोलते हैं ना, जो अगर काम के लिए और डांस के मामले में भी नंबर वन है, हमारी सीमा मैम, सीमा साहू मैम, जो कि एक दमदार लेडी है और सेफ शॉप के अंदर पूरे पेशेंस के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में इस बिजनेस को कर रही है। बहुत सारे लोगों ने इनको बहुत सारा सलाह दिया लेकिन ये किसी की बात नहीं सुनती है, क्योंकि ये एक ही चीज बोलती है, क्योंकि ये सेफ शॉप में काम करती है, डायरेक्ट डील से करती है, इनको इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। मैम ने भी गोल्ड मेडल लेके दिखाया है, और मैम को भी बहुत बहुत बधाई हो गोल्ड मेडल अचीव करने के लिए। और दूसरी हमारी मैम विष्णु मैम, आप मैम को देख सकते हैं, मैम भी माझीटार से है। और मैम के बारे में बात करें तो मैम एक वेट लिफ्टर है, मैम को बहुत सारे मेडल मिल चुका है वेट लिफ्टिंग में। और आज मैम ने, क्योंकि जब वेट लिफ्टिंग में मैम बोलती है सर जब वेट लिफ्टिंग में मेरे को मेडल मिल सकता है तो क्या सेफ शॉप में नहीं मिल सकता क्या, तो मैम ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया और वेट लिफ्टिंग में तो मेडल लिया ही लिया, और सेफ शॉप में भी गोल्ड मेडल लेके दिखाया। तो मैं हमारे दोनों दमदार झांसी की रानी सीमा मैम और विष्णु मैम को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ गोल्ड मेडल अचीव करने के लिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इन दोनों के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए गोल्ड मेडल अचीव करने के लिए। मैम आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो गोल्ड मेडल अचीव करने के लिए, बहुत बहुत बधाई हो। और यहाँ पर आके हमारा ये स्लाइड कंप्लीट होता है। महागुरु जी, अविनाश सर, सर सर जो खेम सर का स्लाइड भी मेरे पास में आया हुआ है तो उसको वो करना है सर, शेयर करना है। पक्का करो सर, ओके दिल सर, से करो। पक्का नहीं सर, यह मैं कर दूं सर? आप करेंगे सर? मैं कर दूं सर? हाँ जी सर, पक्का ओके सर, थैंक यू सर। सर। अगेन आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका ये स्क्रीन शेयर नहीं हुआ? स्क्रीन शेयर नहीं हुआ? हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया। आप सभी को मेरा नमस्कार, और मागुर जी बहुत बहुत यानी कि नमस्कार, और सभी रेड क्रॉस के हमारे मेंटर्स को मेरा नमस्कार। आज फिर अगेन मैं आपके सामने यानी कि बोलने जा रहा हूँ, और आज यहाँ पर मैं कुछ ऐसी टाइगर्स जिनका नाम लेकर मैं सीने बहुत ही फक्र होता है और सीने चौड़ा होता है, और मैं यहाँ पर एक ऐसी अचीवर्स जो जिस तरह से हमारे जीवन सर ने बताया उसी तरह से मैं भी रेगुलरली यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो एक ऐसी टाइगर जो कि
असम से बिलोंग करते हैं और आज उन्होंने एक ऐसी गोल्ड मेडल यानी कि अचीव करके दिखाया। बिल्कुल अगर मैम की बात करें स्वीटी यानी कि स्वीटी भाग बैरागी मैम जो कि बिल्कुल और हाउसवाइफ होते हुए भी ये बिजनेस से इतनी बड़ी सोच बनाए और बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूरी पूरी यानी कि लॉकडाउन के दौरान हर हफ्ता यानी कि चेक बना के दिखाई और आज गोल्ड मेडल लेकर ये बिजनेस को दमदार तरीके से कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा सभी पैनल से यानी कि एक जोरदार और ताली के साथ मैम का यानी कि सम्मान करें, थैंक यू। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर गोल्ड मेडल इसका नाम लेना चाहूंगा हमारे सुधा महाली मैम, आसाम से बिलोंग करते हैं। और अगर मैम की अगर बात करें तो मैम एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट होते हुए भी ये बिजनेस को यानी कि करने का काम करने का डिसीजन लिया और जबरदस्त तरीके से आसाम में धुआं मचा रही है, धूम मचा रही है, आग लगा रही है और लगातार 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 हर हफ्ते चेक बना रही है। तो मैं चाहूंगा कि सुधा मैम के लिए भी एक जोरदार तालियां। और इसके साथ साथ मैं नाम चाहूंगा कि हमारे बिलो करते हैं मैम एक हाउसवाइफ है और हाउसवाइफ होते हुए भी तरीके अपने समय को यूज करके आज जबरदस्त तरीके से बिजनेस कर रहे हैं और उन्होंने भी लॉकडाउन के दौरान भी बड़े बड़े यानी कि चेक बनाया है। और मैं चाहूंगा कि पूर्णी मैम आसाम मैम के लिए भी यानी कि एक जोरदार ताली होना चाहिए पूर्णी मैम आसाम। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा कि गोल्ड मेडलिस्ट का एक रिंकू हज़ा मैम जो कि माल बाजार वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और मैम भी अपने स्टूडेंट कैरियर में उन्होंने यानी कि बहुत ही अच्छी अच्छी बैंक प्रोफेशन की यानी कि जॉब भी करी लेकिन आज सभी चीज को साइड करके आज टोटली ये बिजनेस को जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। और आज बहुत ही आज देखा जाए तो माल बाजार में बहुत बड़ा टीम मैम ने क्रिएट कर चुके हैं और बहुत ही जबरदस्त एक ऐसे लीडर्स है कि मैं चाहूंगा कि मैम ने इतनी बड़ी डिसीजन लेकर अपने सभी नौकरी को साइड करके अपनी यानी कि पढ़ाई को साइड करके आज फुल टाइम ये काम करने का डिसीजन लिया है। आज देखा जाए तो मैम एक यानी कि लगभग चार जेंट्स के बराबर यानी कि एक ही लेडीज वो काफी है, इतनी जबरदस्त तरीके से ये बिजनेस कर रही है। तो मैं चाहूंगा कि रिंकू मैम के लिए भी एक जोरदार तालियां मैम, कांग्रेचुलेशन मैम। और इसके साथ साथ मैं नाम लेना चाहूंगा यहाँ पर हमारे कमल दास सर जो कि त्रिपुरा अगरतला से बिलोंग करते हैं। सर भी एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट होते हुए भी ये बिजनेस को करने का डिसीजन लिया और आज सर ने गोल्ड मेडल लेकर यानी कि ये बिजनेस को शुरुआत कर रहे हैं। और ये लॉकडाउन के पीरियड में भी सर ने बहुत अच्छी अच्छी यानी कि लोगों को भी यानी कि टीम यानी कि चेक बना के दिखाया और खुद का भी चेक बना के दिखाया। और मैं चाहूंगा कि हमारे कमल दास सर अगरतला सर के लिए भी एक जोरदार ताली होना चाहिए कि सर कंग्रेचुलेशन सर गोल्ड मेडल के लिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं इनकी नाम लेना चाहूंगा गोल्ड मेडल में कि हमारे पवित्र रॉय सर एक्चुअल बेसिकली जलपाईगुड़ी से बिलोंग करते हैं और पहले उनका घर यानी कि मैनागुड़ी में भी थे, अभी जलपाईगुड़ी में। और सर अगर बात करें तो सर अन सर्विस में यानी कि आर्मी से है और आज अन सर्विस में आर्मी से है, दो दो स्टार लग चुका है फिर भी ये बिजनेस को यानी कि इतनी जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तो क्या बताएं सर के बारे में, सर आज के दिन में अपने सर्विस के दौरान जो फौज में रोल कॉल होती है, ऐसा रोल कॉल में लोगों को यानी कि इकट्ठा करके आज भगवत गीता और संपूर्ण हनुमान के बारे में सर समझाते हैं, एडिफाई करते हैं, इतनी दमदार तरीके से सर कर रहे हैं। सर को भी पहले 2011 में सेफ सॉप मिली थी लेकिन 2011 में सेफ सॉप मिलने के बाद सर कहीं ना कहीं एक स्टार लगाने के लिए जा रहे थे, सर को ये बिजनेस के प्रति इतना इनकी ध्यान नहीं रहा लेकिन उन्होंने वहां भी शॉपिंग करी थी लेकिन फिर भी उन्होंने यानी कि ये बिजनेस में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज फिर अगेन ये बिजनेस हमारे सुमिता रॉय मैम के माध्यम से जब ये बिजनेस मिला तो उनको बहुत ही अच्छी लगी अगेन और ये बिजनेस को जबरदस्त तरीके से अन सर्विस के दौरान यानी कि लगातार कर रहे हैं और आफ्टर रिटायरमेंट बहुत ही जल्द रिटायर होकर फुल टाइम करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे प्रदीप सर के लिए भी एक जोरदार ताली होना चाहिए, कंग्रेचुलेशन सर आपके गोल्ड मेडल के लिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा गोल्ड मेडल में कि हमारे
तोहा मिदुल हक सर जो कि गोलाबारी से बिलोंग करते हैं, अगर देखा जाए तो लोग बोलते हैं कि यानी कि अब ये भगवद गीता संपूर्ण हनुमान चालीसा फलाना का है, फलाना का है, फलाना का है, लेकिन सर एक रोल मॉडल है, सर एक ऐसी लीडर है जिन्होंने जिन्होंने आज यानी कि भगवद गीता लेकर भगवद गीता के साथ साथ गोल्ड मेडल करके ये बिजनेस को यानी कि शुरुआत करी, और आज सर भी एक गवर्नमेंट सर्विस यानी कि ऑन सर्विस में है, गवर्नमेंट सर्विस करते हैं और आज अपने सर्विस के साथ साथ ये बिजनेस को दमदार तरीके से कर रहे हैं और आज गोलाबारी में बहुत बड़ा नाम है और पूरी पूरी यानी कि आज पूरी जगह जगह सर का यानी कि अपने लिस्ट यानी कि लगातार काम चल रहा है और लोगों की घर में खुशियां दे रहे हैं, चेक बना रहे हैं, खुद भी चेक बना रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ताहमिदुल हक सर के लिए भी एक जोरदार तालियां और सर कंग्रेचुलेशन सर, बधाई हो सर आपने गोल्ड मेडल से काम शुरुआत कर। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा कि गोल्ड मेडल का हमारे मलिन रॉय सर गोलाबारी से बिलोंग करते हैं, सर भूपू यानी कि एक्स सरपंच है और सर ने पहले बहुत बढ़िया तरीके से यानी कि सरपंच की ड्यूटी करी और समाज का सेवा किया, बहुत ही रेपुटेशनल आदमी है, लोग उनका बहुत यानी कि हर बातों को फॉलो करते हैं, लेकिन आज सेप्सोप मिलने के बाद जबरदस्त तरीके से सर भी काम कर रहे हैं, पूरी लॉकडाउन में यानी कि चेक बनाया और अपने टीम को भी चेक बना के दिखाया। और मैं चाहूंगा कि हमारे मलिन रॉय सर गोलाबारी से सर के लिए भी एक जोरदार तालियां, कंग्रेचुलेशन सर आपके गोल्ड मेडल के लिए। और इसके साथ साथ मैं आपका नाम लेना चाहूंगा गोल्ड मेडल में कि मिस शिखा रानी रॉय मैम की गोलाबारी से बिलोंग करते हैं। मैम अगर बताया जाए तो मैम भी एक हाउसवाइफ है और हाउसवाइफ होती हुई भी ये बिजनेस को इतनी जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, कई सारे नेटवर्क मार्केटिंग की यानी कि एक्सपीरियंस मैम के पास भी थी, लेकिन मैम बोलती है कि दुनिया की कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो सेफसॉप जैसे है, तो मैम आज इतनी जबरदस्त तरीके से यानी सेफसॉप हमारी संस्था के साथ जुड़कर काम कर रही है। और आज मैम बोलते हैं अगर एक आदमी अगर मुझे छोड़ के जाती है तो कोई बात नहीं, मैं 15 आदमी खड़ा करके दिखा देता हूँ, ऐसा दमदार यानी कि रानी शिखा रानी मैम के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए, बधाई हो मैम आपने के गोल्ड मेडल से ये बिजनेस को शुरुआत करी। और इसके साथ साथ यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा कि हमारे यानी कि राजेश मुर्मू सर जिन्होंने यानी जिनकी बात करें तो सर यानी कि सिविल इंजीनियर है, आज इंजीनियर अपने यानी कि सर्विस के साथ साथ ये बिजनेस को शुरुआत करी, उन्होंने अगर उनकी बारे में अगर नाम लिया जाए तो सर ने सिर्फ छह दिन के अंदर यानी कि सिल्वर यानी कि अचीव करके दिखाया था, आज पूरी हिंदुस्तान में सेफसॉप की हिस्ट्री में 6 दिन के अंदर यानी कि सिल्वर रिकॉग्नाइज लेकर यानी कि सिल्वर प्रमोशन लेकर सर ने दिखाए थे। और आज सर ने लॉकडाउन के पीरियड में भी जबरदस्त तरीके से खुद का भी चेक बना रहे हैं, अपने बड़े लगातार चेक बना रहे हैं और अब टीम भी लगातार चेक बना रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम एक ऐसी यानी कि इंजीनियर पर्सन होती हुई भी ये बिजनेस को जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा राजेश सर के लिए भी एक जोरदार ताली होना चाहिए और बधाई हो सर आपने अर्जुन अवार्ड से ये बिजनेस को शुरुआत करी और लगभग 52,000 की यानी कि शॉपिंग करी थी सर ने। और इसके साथ साथ यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा अर्जुन अवार्ड के लिए मिसेस सावित्री शाह मैम सिलगुड़ी सालगुड़ा से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल से। और मैम के बारे में अगर बात करें तो मैम एक्चुअली अपने खुद का दुकान है, खुद का कपड़े का दुकान है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से सालगुड़ा मार्केट में उनका बिजनेस चलता ही है ऑलरेडी, लेकिन देखा जाए तो उनके अगर उनकी हर दिन की इनकम की बात करें तो बहुत बड़ी इनकम है, फिर भी आज उन्होंने आज 30 साल से वो कपड़े की दुकान करी थी, लेकिन आज सेफसॉप की पावर को समझा और डिसीजन लिया और आज लगभग 53,000 के यानी कि 53,000 रुपए के यानी कि शॉपिंग करके कंपनी का ये अर्जुन अवार्ड यानी कि अचीव करके ये बिजनेस को जबरदस्त तरीके से कर रही है। और मैं चाहूंगा कि सावित्री मैम के लिए भी एक जोरदार ताली होना चाहिए, एक सभी से यानी कि जोरदार तालियां, बधाई हो मैम अर्जुन अवार्ड के लिए। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा कि मिसेस उलपी मोहाली मैम आसाम से बिलोंग करते हैं, अगर मैम की बात करें तो मैम एक टीचिंग प्रोफेशन से, लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, फिर भी मैम ने देखिए आज अपने टीचिंग प्रोफेशन के साथ साथ भी ये बिजनेस में इतनी बड़ी निर्णय लेकर ये काम को करना शुरुआत करी। आज मैम ने लॉकडाउन के पीरियड में खुद का भी चेक बना रहे हैं और अपने टीम का भी लगातार चेक बना रहे हैं और मैम ने खुद
एक हिस्ट्री क्रिएट करके दिखाया, सभी टीम के सामने रोल मॉडल बन के दिखाया कि यार अर्जुन अवार्ड में सबसे पहले मैं एक लीडर हूं, तो मैंने करके दिखाना है करके उन्होंने एक अर्जुन अवार्ड करके दिखाया। मैं चाहूंगा कि उल्लख मैम के लिए भी एक जोरदार ताली होना चाहिए, बधाई हो उल्लख मैम अर्जुन अवार्ड के लिए। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा एक ऐसी टाइगर जो कि त्रिपुरा अगरतला से बिलोंग करते हैं। अगर सर की अगर बात करें तो सर भी अनसर्विस में अभी जम्मू एंड कश्मीर में सर्विस कर रहे हैं और अपने सर्विस के साथ साथ ये बिजनेस को इतनी जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। सर बोलते हैं जब भी कभी एक गाड़ी में भी बैठते हैं तो मुझे यानी कि सर यहाँ पे थर्ड पार्टी कराना था, सर गाड़ी में भी सर यानी कि थर्ड पार्टी कराते हैं, कहीं भी यानी कि जब भी मिलते हैं हर किसी को बोलते हैं कि यानी कि जहां मिलता है तरी वहां बिछा दो दरी, बस लगातार जो भी मिलता है प्लान दिखाते रहते हैं। सर ने पहले गोल्ड मेडल यानी कि अचीवमेंट करी और उसके बाद अभी लेटेस्ट यानी कि उन्होंने आज अर्जुन अवार्ड यानी कि अचीव करके दिखाया। और इसके साथ साथ सर ने आज के दिन में यानी कि यहाँ यानी कि कंपनी की जो ये फ्रीडम धमाका जो कि टैप जीत के भी सर ने दिखाया। मैं चाहूंगा कि हमारे शंकर दास सर त्रिपुरा अगरतला से सर को भी एक जोरदार ताली होना चाहिए, बधाई हो सर अर्जुन अवार्ड के लिए सर और साथ में टैप जीतने के लिए। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा एक ऐसी लेडी पर्सनालिटी बिल्कुल यानी कि मैम जलपाईगुड़ी मैनागुड़ी से बिलोंग करते हैं और मैम की अगर बात करें तो मैम भी एक हाउसवाइफ है और मैम की यानी कि सर यानी कि बीएसएफ में सर्विस करते हैं। मैम ने अपने हाउसवाइफ के साथ साथ अपने दो बच्चे को संभालते हुए एक लेडी होकर भी घर से बाहर निकलकर इतनी कैसे काम कर किया जा सकता है। मैम ने एक रोल मॉडल सब टीम के लिए यानी कि एक रोल मॉडल बन के दिखाया। आज देखा जाए तो मैं तो कहता हूं कि हमारे टीम में और एक ऐसी शेरनी है जो कि जबरदस्त तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। अभी स्कूटी भी सर मैम ने हैं और आज 79,000 करके एक कंपनी यानी कि अर्जुन अवार्ड को अचीव करके दिखाया। मैं चाहूंगा कि सुमिता रॉय मैम मैं जो और इसके साथ साथ मैं नाम लेना चाहूंगा एक ऐसी होता है कि वहां पावर आता है वहां पानी निकाल के दिखा देते हैं। इतनी जबरदस्त सिकुड़ी से बिलोंग करते हैं मैम, एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, फिर भी आज अपने अपने हस्बैंड की अच्छी खासी सैलरी होने के बावजूद भी ये बिजनेस में करने का। चलो कोई बात नहीं जीवन सर। हाँ जी सर, आप शेयर करो। ओके सर। सर का सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। यस सर। तो मेरा आवाज आ रहा है सर? जी प्लीज। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे अर्जुन अवार्ड अचीवर्स के बारे में। आज मैम है अनु नायर मैम जो कि आज इस पैनल पे जितने भी लोग हैं आप सारे लोग अनु मैम को आप जानते हैं। मैम के हस्बैंड ऑलरेडी एक आर्मी में एक ऑफिसर रैंक में होते हुए भी आज मैम ने इस बिजनेस को सारी सुख सुविधा होने के बावजूद भी मैम ने आज इस बिजनेस में डिसीजन लिया और लगातार इस बिजनेस में पेशेंस के साथ में काम कर रही है। और मैम ने भी अर्जुन अवार्ड लेके दिखाया, 68,000 का परचेस करके दिखाया। और मैम एक ऐसी मतलब लेडी है जो अपने घर को छोड़ के अपने शहर को छोड़ के बाहर जाके जिन्होंने नेटवर्क बिल्डअप करके दिखाया है। उन्होंने उत्तराखंड में भी और आसाम जैसे जगह में भी जाके अपना नेटवर्क बनाया अपने घर को छोड़ के एक हाउसवाइफ होते हुए। तो मैं चाहता हूँ मैम के लिए एक जोरदार ताली और ढेर सारी बधाइयां मैम आपको अर्जुन अवार्ड लेने के लिए। बहुत बहुत बधाई हो अनु मैम। और आगे हम देखते हैं मैम है हमारी सीता मैम जो कि सिल्वर स्टार बनी है और उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। आज सीता मैम की भी बात करें तो मैम हाउसवाइफ है और मैम आसाम से है
और बहुत ही बढ़िया आज मैम काम कर रही है, और लगातार अपलाइन के संपर्क में रहने से और अपलाइन की बातों को मानने की वजह से मैम ने इतने बहुत ही कम समय में सिल्वर स्टार का जो रैंक है, जो लेवल है, वो अचीव किया है और गोल्ड मेडल भी लेके दिखाया है। सीता मैम आपको बहुत बहुत बधाई है गोल्ड मेडल लेने के लिए। सीता मैम के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और आगे हम देखेंगे वंदना गुरुंग, मिसेस वंदना गुरुंग मैम की भी बात करें तो मैम भी आसाम टीम से है और मैम ने भी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार काम किया और बहुत ही कम समय में आज मैम ने इस बिजनेस में सिल्वर स्टार का लेवल अचीव करके दिखाया है। और मैम के जो हस्बैंड है सर भी मैम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, दोनों मिलकर इस बिजनेस में काम करके। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पैनल में बहुत सारे ऐसे हाउसवाइफ होंगे, महिलाएं होंगी जो इस बिजनेस में काम कर रहे हैं लेकिन उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, और बहुत सारे हस्बैंड जेंट्स है जो काम कर रहे और उनकी वाइफ उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन अगर मियां बीवी दोनों एक साथ काम मिलके काम करेंगे तो आपको कोई भी लेवल आप आसानी से और तेजी से अचीव कर पाएंगे वंदना मैम की तरह। तो मैं वंदना मैम को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ और मैम के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। वंदना मैम आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आगे अर्जुन अवार्ड सिल्वर स्टार रूपा मैम, मिस्टर एंड मिसेस रूपा राय, आज सर और मैम भी आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं पहली बार यानी कि रॉयल क्रांतिकारी टीम के अंदर बहुत सारे लोगों ने कमिटमेंट किया कि हम शॉप खोलेंगे, ये खोलेंगे, वो खोलेंगे, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन दोस्तों अगर रॉयल क्रांतिकारी टीम में अगर किसी ने शुरुआत किया है, अगर किसी ने अगर पहला शॉप खोला है तो वो नाम निकल के आता है मिस्टर एंड मिसेस रूपा राय। आज इन्होंने अर्जुन अवार्ड भी लेके दिखाया और अपना सेफ शॉप का पहला शॉप खोल के भी दिखाया। तो मैं चाहता हूँ रूपा मैम और उनके हस्बैंड के लिए अभी तक की एक जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको रूपा मैम, बहुत बहुत बधाई हो। और आगे आप देख सकते हैं मिस्टर एंड मिसेस आमिनुर इस्लाम, एक ऐसा नाम, सर गोलाबाड़ी के रहने वाले हैं और बहुत ही दमदार लीडर है हर जगह पे। मुझे पता है जब से सर इस बिजनेस में ज्वाइन हुए हैं मुझे तो तब से सर का नाम सुनने का मौका मिलता है हर बार, और हर बार मैं सर का नाम लेता हूँ हर मीटिंग के अंदर, हर ट्रेनिंग के अंदर, हर फंक्शन के अंदर सर का नाम आता है। हर बार सर ने इस बिजनेस के अंदर अचीव करने का ठाना हुआ है, एक आग लगी है सर के सीने में। तो मैं सर को लेके एक ही एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, इस पैनल के अंदर जितने भी लोग हैं आप भी ऐसा कर सकते हैं कि हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में, हर फंक्शन में आपका नाम आपके सीनियर्स लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ऐसा काम करके दिखाना है। और आमिनुर सर ने ऐसा काम करके दिखाया है और इतने कम समय में सिल्वर स्टार लेवल को अचीव करके दिखाया है। तो मैं चाहता हूँ आमिनुर सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। आमिनुर सर बहुत बहुत बधाई हो आपको सिल्वर स्टार लेवल अचीव करने के लिए। और आगे हमारे टाइगर सिल्वर स्टार मिस्टर मानस बर्मन, आज अगर सर की बात करें तो एक स्टूडेंट है और सर ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और डिसीजन लिया, क्योंकि दोस्तों ये कोरोना काल में लोग अपना घर छोड़ना नहीं मान रहे थे, लेकिन मानस सर एक ऐसे पर्सनालिटी, एक ऐसे लीडर है, इतना दमदार है। आज देखिए एज की बात करें तो बहुत ही छोटे हैं, सर को मैं जब भी देखता हूँ मुझे अपना खुद का याद आता है, लेकिन दोस्तों इस लॉकडाउन के अंदर, इस कोरोना काल के अंदर भी सर ने डिसीजन लिया और सर ने कलकत्ता जाके काम करना स्टार्ट किया और सर ने टैब अचीव किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर सर डिसीजन नहीं लेते, अगर सर कलकत्ता नहीं जाते तो शायद सर का टैब अचीव नहीं हो पाता, लेकिन दोस्तों सारा खेल डिसीजन का है। तो आपने भी इस बिजनेस में डिसीजन लेना पड़ेगा जैसे सर ने डिसीजन लिया, और सर ने आज इस बिजनेस के अंदर जो टारगेट चल रहा था फ्रेशर चैलेंज उसमें काम करके टैब अचीव करके दिखाया। मानस सर आपको बहुत बहुत बधाई और टैप अचीव करने के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए मानस सर के लिए, मानस बर्मन सर। और आगे हमारे टाइगर मिस्टर सरन बर्मन, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही दमदार लीडर, सालूगढ़ा के रहने वाले हैं, और सर के बारे में एक बात जरूर बताऊं, सालूगढ़ा में सर के पास में एक बहुत ही बढ़िया दुकान था, लेकिन सर ने जब इस बिजनेस को देखा तो बोलते ना एक पागल के तरीके से इस बिजनेस को सर ने ट्रीट किया, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इस पैनल में सोच रहे हैं ये पागल क्या होता है,
दोस्तों पागल का मतलब वो पागल नहीं जो कपड़े फाड़ के रास्ते में चिल्ला चिल्ला के दौड़ता है, मैं उस पागल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पागल की बात कर रहा हूँ जो गांधी जी जो पागल बने थे, थॉमस एडिसन जो पागल बने थे, और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, वो लोग जो पागल बने थे उस प्रकार से सर्विस बिजनेस में पागल बने और हर टारगेट हर अचीवमेंट को लिया, अपनी दुकान को आज छोड़ के साइड में रखे फुल टाइम आज इस बिजनेस को कर रहे हैं। और सर ने भी इस बिजनेस में लैपटॉप अचीव करके दिखाया है। सरन सर आपको बहुत बहुत बधाई हो लैपटॉप अचीव करने के लिए। हमारे सरन सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार तालियां। और दोस्तों यहाँ पर आके ये हमारा स्लाइड और ये हमारा जितने भी अचीवर्स है ये कंप्लीट होता है। और मैं लास्ट में आप लोगों को इतना ही बात बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार तो जिन लोगों ने भी टारगेट फाइट किया उन लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स अगली बारी आपकी है क्योंकि अगला हफ्ता फिर दोबारा आने वाला है। तो दोस्तों दम लगाइए और इतना मेहनत कीजिए कि अगली बारी इस स्लाइड में आपका भी फोटो आना चाहिए। और मैं इतना ही कह के अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा और आगे मैं हमारे महागुरु जी को कॉल करना चाहता हूँ, आज जिनकी बदौलत आज इतने सारे लोग इतना बढ़िया तरीके से काम करके डिसीजन ले पा रहे हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एक जोरदार और धमाकेदार ताली के साथ में उनका स्वागत करें, क्योंकि दोस्तों एक ऐसी पर्सनालिटी है आज इस बिजनेस में डबल डायमंड के लेवल पे है। ऑलरेडी सरकारी नौकरी होते हुए भी सर ने इस बिजनेस को किया और आज अपनी सरकारी नौकरी आर्मी में 44GR के नेशनल एथलीट प्लेयर थे और अपनी आर्मी की जॉब को वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके आज इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं। और आज उनकी डिसीजन की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आज परिवर्तन आ चुके हैं। तो एक जोरदार और शानदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। सो प्लीज हेल्प मी टू वेलकम डबल डायमंड लीडर मिस्टर अविनाश अधिकारी ऑन द जूम पैनल। महागुरु जी स्वागत है आपका इस पैनल पे। थैंक यू जीवन सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने गर्म जोश से आपने मेरा स्वागत किया। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। और दोस्तों सबसे पहले तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाई जिन जिन लोगों ने गोल्ड मेडल, अर्जुन अवार्ड और कोहिनूर अवार्ड लिया है, और जिन जिन लोगों ने दोस्तों टैब लिया है, टैब अचीव किया है, जिन जिन लोगों ने दोस्तों लैपटॉप अचीव किया है, आप सभी को। अविनाश सर। हाँ सर, एक ना एक छूट गया सर मुझे अभी, मतलब वो हो रहा है, मैं थोड़ा सा अगर आपकी इजाजत हो तो सर शेयर कर लूं सर। हाँ अरे प्लीज, क्योंकि दोस्तों अभी आप लोग फोटो स्क्रीन आ रहा है सर। जी जी जी, क्योंकि अगर मैम के बारे में अगर नहीं बताएंगे तो आज का मीटिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैम की अगर मैं बात करूं तो मैम का नाम है सुष्मिता लेपचा जो कि कैलिमपोंग से बिलोंग करती है। और मैम ने अभी का मैंने आज जितना भी स्लाइड दिखाया उस स्लाइड में से सबसे बड़ा अवार्ड है, इसीलिए मैंने मैम का फोटो स्लाइड में नहीं डाला था। और मैम ने कोहिनूर अवार्ड यानी कि दोस्तों 1 लाख से ऊपर का मैम ने रिपर्चेस किया है, जिसकी वजह से आज मैम को कोहिनूर अवार्ड मिला है। और सुष्मिता मैम ने कोहिनूर अवार्ड ही नहीं, इस बिजनेस में मैम को इस बिजनेस में आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन मैम ने इतने कम समय में कंपनी का टारगेट फ्रेशर चैलेंज अचीव करके टैब भी अचीव किया है। तो सुष्मिता मैम आपको ढेर सारी बधाई हो। तो मैं चाहता हूँ अभी तक की, क्योंकि कोहिनूर अवार्ड है सबसे बड़ा अवार्ड है, तो अभी तक की सुष्मिता मैम के लिए एक जोरदार और आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। माँ गुरु जी ओवर टू यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे को हेमसर भी होगा, हेमसर हेमसर आप को से अनम्यूट करो। यस सर। हाँ सर, आप शेयर करो फटाफट। (clears
सर स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? हाँ हाँ हो रहा है, करो। स्क्रीन शेयर ही नहीं हुआ सर आपको यहाँ? सर स्क्रीन शेयर हो चुका है सर, आप स्लाइड ऑन कीजिए। स्क्रीन शेयर है आपका। स्लो हो गया बट सर कोई बात नहीं सर, इसको उसके आप मुझे व्हाट्सएप करो फटाफट। हो गया तो हो गया। आगे राइट सर अभी? हाँ हाँ सर फुल करो। सर हो रहा है सर अभी? हाँ जी सर आप स्टार्ट करो सर। हेमो सर जी सर हो रहा है सर अभी? हाँ जी सर स्टार्ट करो सर। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो माघुर जी अविनाश सर बहुत बहुत आपको नमन और प्रणाम। आपने आज बोलने का मौका दिया और कुछ बात रखने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और साथियों आप सभी रेड क्लब लेवल जितने भी सीनियर हैं आप सभी को मेरा नमस्कार, और साथ साथ में जूम पैनल में जितने भी जुड़े हैं आप सभी को प्यार भर नमस्कार। तो दोस्तों और सबसे पहले तो नाम मेरा हेम थापा है, रहने वाला वेस्ट बंगाल सिलगुड़ी से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। और साथ साथ में आज का इस वेलकम टू ऑल रॉयल क्रांतिकारी टीम। और फर्स्ट ऑफ ऑल आज रिकॉग्निशन के बारे में और हमारे जो अपकमिंग डायमंड लीडर जीवन सर ने बहुत ही बढ़िया आज बहुत सारे लोगों का बताया, और हमारे जो क्या है कि एमरल्ड लीडर अपकमिंग एमरल्ड लीडर, और आज हमारे जो क्या है कि क्या है हमारा सर का नाम आज भूल गया, क्या है कि दिन मन में आ रहा है। तो पुरन जी ने आज इतना बढ़िया से बताया उनकी जहर की सारी टीम के बारे में, तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों आज मेरे मेरे टीम से भी कुछ ऐसी एक बहुत ही दमदार आज फील्ड में काम करके सारी लोगों ने अचीवमेंट किया है। तो मैं चाहूंगा उन सारी लोगों के आज बताना चाहूंगा, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करके आज फील्ड में आज जीडी पैकेज निकाल कर आज उन्होंने भी क्या है कि रिकॉग्निशन के बारे में उनके बारे में शेयर करना चाहूंगा। तो थोड़ा सा मैंने सेफ सोफ से हटके थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों। तो एक क्रिकेट जगत की क्या है कि महान भगवान दोस्तों सचिन तेंदुलकर को माना जाता है दोस्तों। तो उन्होंने आज देखिए इस वर्ल्ड में उनकी नाम है, लेकिन आज रॉयल क्रांतिकारी टीम में भी तो आज दोस्तों आज ऐसे शख्स आ चुके हैं, उन्होंने भी दोस्तों आज डबल सेंचुरी दोस्तों डबल कोहिनूर अवार्ड लिया है। तो उसका नाम है तो जिसका नाम है मिस्टर और चंद्र बहादुर राणा जी है दोस्तों, आज शायद इस पैनल में जुड़े हैं। तो उन्होंने आज दोस्तों आज देखिए प्रोफेशन की बात करो तो दोस्तों उन्होंने आज एक आर्मी है और नेपाल से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों आज उन्होंने इस रॉयल क्रांतिकारी टीम में शायद आज क्या है कि डबल सेंचुरी डबल कोहिनूर अवार्ड आज लिया है, जिसने 2,62,000 रुपए का क्या है कि आज क्या है कि परचेस करके आज क्या की कोहिनूर अवार्ड लिया है। मैं चाहूंगा कि आज चंद्र बहादुर राणा जी के लिए एक बिग बिग कंग्रेचुलेशन, मैं चाहूंगा सर के लिए एक शानदार जोरदार तालियां बजाइए। चलिए दोस्तों ऐसी मान सम्मान बाजार में खरीद के नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप सभी लोगों ने भी आपने परचेस करके रिपर्चेस करके आप सभी लोगों ने भी अपने मान सम्मान ले सकता है। लेकिन आपको यही है कि इसके साथ साथ दोस्तों हमारी इस यहाँ नेक्स्ट हमारे जो क्या है कि मिसेस चंद्रकला प्रधान मैम के बारे में बताना चाहूंगा। बाय प्रोफेशन टीचिंग प्रोफेशन से दोस्तों रहने वाले दार्जिलिंग से बिलोंग करते हैं दोस्तों। आज उन्होंने भी इस बिजनेस में आकर देखिए दोस्तों 1,00,000 रुपए की शॉपिंग करके आज कोहिनूर अवार्ड लिया है।
तो दोस्तों आज 1,00,000 रुपया का शॉपिंग करके उन्होंने भी दिखाया, आज कोहिनूर अवार्ड है दोस्तों। मैं चाहूंगा चंद्रकला मैम के लिए भी एक शानदार जोरदार ताली होना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों आज इसमें बताना चाहूंगा दार्जिलिंग से है दोस्तों, तो जिनका नाम है और मिसेस दुर्गा लेपचा है मैम, लेकिन आज दोस्तों इन्होंने भी आज गोल्ड मेडल लिस्ट में आज 30,000 से भी ज्यादा का परचेस करके दिखाया। मैं चाहूंगा दुर्गा मैम के लिए भी एक शानदार जोरदार ताली होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आज जो जिन्होंने भी क्या की आज यहाँ पर रिकॉग्निशन लेवल लिया है, मैं चाहूंगा इस सारी की सारी के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा साथियों। साथ साथ में यहाँ पर जो आगे की जो की जानकारी देने के लिए हमारे बीच में बहुत ही दमदार आज डबल डायमंड लीडर मिस्टर अविनाश सर हैं। मैं चाहूंगा सर के लिए तो इस जूम पैनल में कलिंग करना चाहूंगा, एक शानदार जोरदार ताली से कलिंग करते हैं। सो नाउ प्लीज हेल्प मी टू वेलकम डायमंड लीडर मिस्टर अविनाश सर। सर आपको जूम धन्यवाद सर आपको दोस्तों, टाइम काफी हो चुका है ठीक है ना, क्योंकि शॉर्टकट में बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करूंगा, केवल दो मिनट लूंगा आप सभी का। तो 2 मिनट देने के लिए तैयार है आप लोग? यस। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो। जैसे आज जो चंद्र सर डिसीजन लिया है दोस्तों डबल कोहिनूर अवार्ड का, अगर मतलब एक होता है ना, अगर थोड़ा सा सर और थोड़ी सी लगा लेते मतलब ट्रिपल हो जाता, कोई बात नहीं सही है। तो अभी ऐसे होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी ताली बजा रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उनको भी लग रहा होगा देखो दोस्तों काश हमेशा इसी टाइम में महसूस होता है, काश मैंने भी कर लिया होता, थोड़ा सा मेहनत कर लिया होता। कल परसों में इस एग्जाम में विजिट था, उनका 300 वीवी से छूट गया सर, किसी का 1300 वीवी से छूट गया, किसी का मतलब 87 वीवी से छूट गया किसी का, मतलब है ना ऐसा ऐसा चीज होता है। लेकिन दोस्तों थोड़ी सी अपनी साइड को अभी क्या करना है दोस्तों, आप लोगों ने अपना साइड दिन में 4-5 बार देते, फेसबुक को मत खोलना, लेकिन दोस्तों आपने दूसरी चीज मत खोलना, जो व्हाट्सएप का स्टेटस साला बंद ही कर दो उसको। लेकिन दोस्तों हमने आपके और हमारी जरूरत है अपनी साइड को खोल के देखना है, चेक करना है, छेड़खानी करते रहना है, ये सारे चीज करने की जरूरत है। दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो आप सारे अचीवर्स को, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और जो आज दोस्तों जो आगरा के लिए जो मेरे टाइगर्स, मेरे जो जिगर के टुकड़े, जो दिल के धड़कन, जो भी बोलो कुछ कमी है उनके लिए, अब हम सारे जो लोग भी सर अभी जा रहे हैं, आज उनको कुछ बताया नहीं है, केवल जो उन लोगों ने डिसीजन लिया है टाइम में भी बाई ईयर बुकिंग किया है, बाई ईयर जा रहे हैं, हम मुझे इतना भी पता है उनके पास में पैसा नहीं था सही है, लेकिन उन लोगों ने एक डिसीजन लिया है, पैसा ना होने के बावजूद भी उन लोगों ने बुकिंग किया है, वो हमें पता है कि क्योंकि इस लेवल में मैं भी था, इस लेवल में कैसे कैसे मैनेज करना होता है, क्या क्या करना होता है, ये सारा लोगों ने उन लोगों ने किया है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने पैसा नहीं है बोल के बहाना बना के भी बैठे हैं ठीक है ना, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों ने। और आप लोग इतने लकी है, कोई इस दुनिया का कोई डायमंड बने या नहीं ना बने मुझे पता नहीं है, जिस शख्स ने अगर नरसिंह ग्रेवाल के साथ में अगर सेल्फी लेके आ गया, एक बार टच करके आ गया, और एक बार अगर नरसिंह ग्रेवाल का अगर ट्रेनिंग लेके आ गया दोस्तों, ये तय है कि उसका डायमंड बनना दोस्तों कोई इस दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। आप सारे लोग दोस्तों इसी 2020 और 21 का डायमंड है जो 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 21 लोग जो इधर से जा रहे हैं ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और दूसरी बात दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो जिन लोगों ने दोस्तों अभी क्वालिफाई किया है लैपटॉप जो टैब और दोस्तों जो अर्जुन अवार्ड जो लोग कर रहे हैं दोस्तों, ये 14 तारीख तक 14 अक्टूबर तक, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों आपका इटली बैंकॉक और दोस्तों मोबाइल का दोस्तों इजीली आपका टारगेट फाइट हो सकता है। लेकिन थोड़ी सी जैसे कोई भी लड़का या लड़की जो स्टूडेंट होता है वो जो पढ़ाई के टाइम में दोस्तों जब एग्जाम आता है तो दोस्तों उस टाइम में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और टाइम में तो दोस्तों दूसरी चीज में मेहनत होती है, और जो एग्जाम के टाइम में दोस्तों थोड़ा ज्यादा मेहनत होता है, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है दोस्तों, थोड़ा सा अगर मेहनत हुआ तो गारंटी इस बात की दोस्तों टारगेट भी फाइट होगा और सबसे बड़ा नाम भी होगा। और दोस्तों हम लोग इस 14 तारीख के बाद में जैसे हमारे टीम आ जाएगी उसके बाद में पूरा फाइनली हम रिकॉग्नाइज इकट्ठा करेंगे जो टारगेट अचीवर के साथ में। और मैं दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों को, बहुत सारे कल परसों लोग मेरे को फोन करके बता रहे थे सर मैंने तो गोल्ड मेडल लिया था सर, मुझे तो वो सोना तो मिला नहीं सर, मैंने कोहिनूर अवार्ड लिया था मुझे ऐसे मिला नहीं, बहुत सारे लोग
दोस्तों गोल्ड मेडल एक रैंक है, जैसे जैसे आपका और हमारा एक सिल्वर है वैसे ही वो जैसे ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड ब्रॉन्ज जो ये लेवल है वो भी लेवल है, आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको जितने भी अर्जुन अवार्ड कोहिनूर अवार्ड जितने भी जो आप सबका और आप सारे जो टोपाजन है इधर जो लीडर्स है इन सबका आपने नाम देना है, आपको कंपनी के थ्रू आप रॉयल क्रांतिकारी की टीम के थ्रू आपको दोस्तों आपके घर में सर्टिफिकेट पहुंचेगा, आप उसको लगा सकते हैं क्योंकि कोरोना के टाइम में आपने कुछ करके दिखाया है, इसका अवार्ड है वो। एक मैम है मुझे परसों फोन करके बोल रही थी, सर मैं लेता 40,000 को मैं लेते हूँ, सर मैं लेता सुन आए ना, अरे 40,000 में थोड़ी सुन आता है। सही है तो आप ये चीज क्या थोड़ा सा देखिए, नहीं वो सही है उसकी तरफ से, ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, वो भी सही है क्योंकि उसको भी तो किसी अपलाइन ने नहीं समझाया होगा, उसको बोला गोल्ड मेडल मिलेगा तो सुन का तकमा मिलेगा, तकमा ठीक है ना। अरे भाई मैंने नेशनल खेला है, मैंने जब नेशनल में मैंने 6 गोल्ड मेडल लेके आया था, उस टाइम में भी मेरे पास में सोने का मेडल नहीं था, ठीक है। मैं भी बहुत खुश हुआ था जब नेशनल में मुझे गोल्ड मेडल मिलेंगे, पूरा 6-6 अगर सोने का मेडल मिलेगा तो कुछ ना कुछ जिंदगी बन जाएगी, लाइफ अच्छी बन जाएगी, लेकिन मेरे के पास सिर्फ गोल्ड टाइप का था लेकिन गोल्ड नहीं था, सही है ना। तो दोस्तों इस चीज के थोड़ा सा दूर करने की जरूरत है। और दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, कंपनी ने इतना धमाकेदार प्लान लेके आया है, अभी पहले हम क्या करते थे, रिपर्चेस भी करते थे तो नीचे के उसमें डालते थे, फिर क्या होता था सबके लिए होता था, अभी तो दोस्तों हर महीने जितना आप जितना परचेस करेंगे, क्योंकि 6 महीना में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, ठीक है ना। एक महीने का जो परचेसिंग आपका 5 महीने का कैलकुलेशन होता है, चाहे आप एक महीने में इस महीने में 10,000 करो, अगले महीने में 20 करो, अगले महीने में 30 करो, तो 6 महीने में मिलने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। और दोस्तों आपको रैंक वाइज, दोस्तों आपको लेवल वाइज इंडिया में, और इतने लकी है आप और हम, आपकी और मेरी जगह एक ही है, फ्रेशर है अभी रैंक में मैं, सही है ना, आपका भी सेम है मेरा भी सेम है, ठीक है। तो दोस्तों हम सारे बराबर हो गए अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। जिसकी थोड़ी सी मेहनत रंग लेती है तो दोस्तों थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, आप सबको बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ज्यादा बात नहीं है, लेकिन एक चीज जाते जाते एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, जो भी शुभचिंतक थे, ठीक है, जो भी शुभचिंतक थे हमारे, ठीक है ना, तो जो भी हमारे जो शुभचिंतक थे, जो शिपशप को लेके अभी कल परसों से बहुत सारा फोन आना शुरू हो रहा है, बहुत सारे लोगों का आई डिटर्मिनेट हो चुका है, बहुत सारे